देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप एक पुलिस वाला सिर झुकाए मुंह छिपाए पिट रहा है और लोगों के थप्पड़ घूंसे चालू है। ऐसी तस्वीर शायद ही देखने को मिलती है जब पब्लिक एक पुलिस वाले को इस तरह पीट रही हो और वो चुपचाप पिट रहा हो। दरअसल थप्पड़ और घूंसों से अपनी इस खातिरदारी के लिए धौलपुर जिले का ये पुलिस कांस्टेबल खुद जिम्मेदार है। मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाला गांव की लड़कियों से छेड़छाड़ करते रंगे हाथ पकड़ा गया। देखते ही देखते गांव वालों ने उसे घेरा और इससे पहले कि वो बाइक से भागता लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इन्हीं में से किसी के मोबाइल फोन से ये वीडियो बना है जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ ये बात सामने आई कि पप्पू राम नाम का ये कांस्टेबल धौलपुर के बसेड़ी थाने में तैनात है। 14 दिसंबर को ये मनचला कांस्टेबल स्कूल से घर जाती लड़कियों के पीछे पड़ गया। पहले इसने लड़कियों से छेड़छाड़ की, जब उससे भी जी नहीं भरा तो इसने एक लड़की को अपना मोबाइल नंबर लिखकर पर्ची थमा दी। लड़कियों ने विरोध किया और गांव वालों को बुलाया। कई लोग लड़कियों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे और पप्पू राम को वहीं घेर लिया। पिटाई के बाद गांव वालों ने थाने में कांस्टेबल के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद धौलपुर एसपी ने उसे लाइन हाजिर कर दिया है। तहरीर पर जो है उनके द्वारा मुकदमा दर्ज जो है हमने कर लिया है, और जिस तरह से वीडियो जो वायरल हुआ है, वीडियो भी मेरी जानकारी में आया है। वीडियो में जो लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन पर भी जो है मुकदमा हम दर्ज करेंगे और दोनों तरफ से कार्रवाई जो है की जाएगी। पप्पू राम नाम का ये कांस्टेबल धौलपुर के बसेड़ी थाने में तैनात है। 14 दिसंबर को ये मनचला कांस्टेबल स्कूल से घर जाती लड़कियों के पीछे पड़ गया। पहले इसने लड़कियों से छेड़छाड़ की, जब उससे भी जी नहीं भरा तो इसने एक लड़की को अपना मोबाइल नंबर लिखकर पर्ची थमा दी। लड़कियों ने विरोध किया और गांव वालों को बुलाया। कई लोग लड़कियों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे और पप्पू राम को वहीं घेर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक कांस्टेबल की शर्मनाक हरकत ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जब पुलिस वाले ही छेड़छाड़ करेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा। उमेश मिश्रा, धौलपुर,